थार रॉक्स व्हाइट कलर में। और ये है इसका साइड लुक देखो पूरा, मतलब अंदर बैठ के लग नहीं रहा कि हम थार के अंदर बैठे। गाइस फाइनली हमारे सामने थार रॉक्स व्हाइट कलर में। और ये है इसका साइड लुक देखो पूरा, मतलब अंदर बैठ के लग नहीं रहा कि हम थार के अंदर बैठे हैं। चल अब कलर बता, रेड अच्छा नहीं लग रहा। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं महिंद्रा न्यू थार रॉक्स देखने के लिए, जो कि 5 डोर है, जो कि आ चुके हैं महिंद्रा में। तो चलते हैं जाके देखते हैं और हमें कैसी लगती है आज कंप्लीट, देखेंगे अंदर से बाहर से कैसी है, क्योंकि हमको चेंज तो करनी है ना। मैंने आपको बताया था क्योंकि 2 डोर वाली में फैमिली अच्छे से नहीं पाती। तो चलो चारों भाई चलते हैं मस्त महिंद्रा और देख के आते हैं। पसंद आगे तो बुक करा लेंगे, आज ही बुक करा लोगे? पहले एक बार देख लेते हैं अच्छे से, फिर चला के भी देखेंगे, फिर बुक करेंगे यार, बिना चलाए बुक नहीं करेंगे। तो हम जाएंगे अपनी थार लेके ही, थार देखने के लिए। वो इससे थोड़ी लंबी है, तो चल के देखते हैं कितनी लंबी है इससे। नाक बंद क्यों कर रहे हो? बदबू कहाँ है यार? बट नई वाली थार में नहीं होगा कुनाली, नई वाली थार में नहीं होगा। नई वाली थार में पता क्या है, सनरूफ है, और ये वाली विंडो भी खुलती है नई थार में। इंटीरियर व्हाइट है, पूरा व्हाइट इंटीरियर, इंटीरियर व्हाइट है। हाँ भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ सामने से देखने के लिए कैसे दिखती है, तो चलते हैं जाके देखते हैं। ये नहीं भी बेचेंगे यार, प्यार नहीं, ये देख ही लेंगे भाई। यार नहीं यार, इससे बहुत यादें जुड़ी हैं यार, यादें तो जुड़ी हैं यार। हाँ यार, इस थार को हम कहाँ कहाँ लेके गए हैं, कितनी ऑफ रोडिंग करी है, कितने जंगलों में ले गए, नदियों में ले गए हैं। महिंद्रा पहुंच चुके हैं। अरे ये व्हाइट कलर की भाई, यही है, यही आते ही दिखी भाई, क्या मस्त अलग लग रहे हैं भाई, भाई काफी बढ़िया यार, काफी बढ़िया ना, बढ़िया। गाइस फाइनली हमारे सामने थार रॉक्स व्हाइट कलर में, और मैं व्हाइट कलर ही सोच रहा हूँ लेने की। और आगे से देखो इसकी ग्रिल कितनी प्यारी सी है, ये डिफरेंट ग्रिल है एकदम। सबसे खास बात इसकी ये है, ये देखो ये भी खुलता है, और यहाँ भी काफी स्पेस है देखो बैठने के लिए, फैमिली के लिए। पीछे देख काफी स्पेस है देख, काफी स्पेस है पीछे भी, स्पेस है भाई, इसमें तो इतना सारा सामान आ जाएगा पूरे भर के। हाँ, और ये सीट नीचे भी हो जाती हैं। तो अब अंदर चलते हैं, अंदर रेड कलर की खड़ी है, रेड वाली देखते हैं, क्योंकि हमारे पास रेड है ना, तो रेड से रेड चेंज भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं व्हाइट ही सोच रहा हूँ। यहाँ तो पूरा सजा रखा है देखो, और ये रही सामने रेड कलर में, भाई रेड में भी मस्त लग रही है यार, है ना। और ये है इसका साइड लुक देखो पूरा, मेरे को तो अब लाल भी अच्छी लग रही है देखो। चलो बाहर से तो अच्छे से देख ली, मेरे को तो पसंद आ गया भाई, बाहर से भी बहुत बड़ी लग रही है, बहुत ह्यूज लग रही है, और अलग ही लग रही है, नॉर्मल थार नहीं लग रही है। और इसका डोर हैंडल देखो यहाँ पे है, यहाँ पे यूजुअली यहाँ पे होता है खोलने के लिए, बट इसका यहाँ पे है, तो ये भी काफ़ी कूल लग रहा है देखो, यूनिक लग रहा है। अब मैं बैठता हूँ ड्राइविंग सीट पे। चलो भाई, पीयूष तो पहले से बैठा हुआ है यहाँ पे, सनरूफ भी है देख भाई, मज़ा आ गया भाई, तीन जने बैठो बढ़िया। और स्टेयरिंग भी काफ़ी लाइट है, पर देखो यहाँ पे न्यू लोगो है, हमारी वाली में ये वाला लोगो नहीं है। बाकी स्क्रीन देखो भाई, कितनी बड़ी स्क्रीन दे दी अब। और मेन तो इंटीरियर देखो भाई, वाइट इंटीरियर है। और पता है इसमें सनरूफ छोटी है, बट जो टॉप मॉडल है ना उसमें सनरूफ पूरी पीछे तक है। अच्छा बढ़िया। हाँ तो हम टॉप मॉडल लेंगे ना, कंफर्टेबल है ना। गेट भी है, खिड़की भी है, मस्त खोलो, पहले नीचे है खिड़की। पहले पीछे बैठने के लिए ना आगे से ही घुसना पड़ता था, बट अब पीछे डोर हो गए तो मस्त पीछे से ही खोलो, पीछे से ही बैठो। तो ये चीज बेस्ट है इस थार की। और भाई स्पेस बहुत ही ज्यादा है और फीचर्स बहुत ज्यादा है। इसकी चाबी कहाँ है? चाबी मंगवाओ इसकी। अरे बटन आ गया इसमें स्टार्ट स्टॉप का। ये देख आर्म रेस्ट भी है, हमारी वाली में ये नहीं था। और जगह भी है इसमें रखने की भाई, बेस्ट है ना। बुक करा देते हैं, अभी बुकिंग नहीं हो रही है, अभी बुकिंग भी नहीं हो रही है, और अभी टेस्ट ड्राइव भी नहीं हो रही है, अभी चला भी नहीं सकते, बुक भी नहीं कर सकते, अभी सिर्फ देखने के लिए यहाँ पे। तो भाई चाबी हमारे हाथ में आ गई है, तो ऑन करते हैं और स्क्रीन देखते हैं स्क्रीन कैसी है भाई। भाई गाड़ी स्टार्ट है पता ही नहीं चल रहा, देखो कोई आवाज ही नहीं आ रही, एकदम स्मूथ है, और स्क्रीन भी एकदम स्मूथ है देखो। ऑफ रोडिंग का पूरा सिस्टम है इसमें देखो, और पीछे बैठने में इतनी कम्फर्टेबल, इतनी मस्त है ना, और ऊंची देखो कितनी ऊंची है। हाँ यार ऊपर तो बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस आ गया। खिड़की भी खुलती है देखो कुनाली आपके लिए, मतलब अंदर बैठ के लग नहीं रहा कि हम थार के अंदर बैठे हैं, इतनी लग्जरी है, इतने फीचर्स हैं इसमें, इवन ऑफ रोडिंग के फीचर्स भी हैं भाई। तो मजा आएगा इससे ऑफ रोडिंग करने में भी, और फैमिली को बिठाने, मम्मी को बिठाने, मम्मी को दिखाने है मुझे, तो मम्मी को लेके आऊंगा, मम्मी को टेस्ट ड्राइव दिलाऊंगा। अंदर बैठ के ऐसा लग नहीं रहा कि हम थार के अंदर बैठे हैं, और इसके डोर भी देखो पूरे खुलते हैं 90 डिग्री पूरे, तो अंदर बैठने में भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पैर रखो मस्त और बैठ जाओ, इतनी कंफर्टेबल है ना, मेरे पैरों का कितना स्पेस खाली है, कितना ज्यादा, और पीछे भी स्पेस काफी ज्यादा है, तो सामान भी ले जा सकते हैं, तो मतलब फुली प्रैक्टिकल थार हो गई अभी। यहाँ पे आर्म रेस्ट भी है और कप होल्डर भी है मस्त, अगर दो जने बैठेंगे तो। पहले मुझे लग रहा था कि मम्मी मना ना करे, बट अब मुझे नहीं लग रहा कि मम्मी मना करेगी इसको देख के। और अब कलर में कंफ्यूजन हो रहा है, रेड या व्हाइट, क्योंकि रेड तो हमने यूज कर लिया है वैसे, बट ये भी रेड में अच्छी लग रही है यार, और व्हाइट में भी अच्छी लग रही है,
तो अब कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट कर देना गाइस रेड या व्हाइट। वैसे ज्यादा चांसेस व्हाइट के ही है हमारे क्योंकि रेड तो हमने रख लिया ना। चल अब कलर बता। रेड अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है पर रेड तो है ही। बढ़िया कलर देख एकदम वाइब्रेंट है, चमक रहा है। वीडियो में अच्छा लगेगा। हाँ पहाड़ों में रेड अच्छी लगती है। और गाइस पीछे से देखो, पीछे से भी एकदम यूनिक है और यहाँ पे पूरा कवर लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है थार रॉक्स। ये भी कूल लग रहा है काफी, ये भी करवाएंगे। और इसकी लाइट्स भी देखो डिफरेंट है एकदम। और ये वाला पार्ट भी देखो, ये भी जलता है ना, ये भी जलता है। और एकदम एकदम यूनिक है, पहली वाली थार से बिल्कुल यूनिक है। गाइस अभी इस वाली में आपको फीचर्स बहुत कम दिखाए हमने क्योंकि टॉप मॉडल नहीं है। टॉप मॉडल में और भी ज़्यादा फीचर्स हैं, और भी ज़्यादा, तो हम टॉप मॉडल ही लेंगे। जब आएगी ना दिखाएंगे आपको। अब तुम जेनरली बताइयो देख वहाँ पे व्हाइट खड़ी है और ये रेड खड़ी है, कौन सी बेस्ट लग रही है? यार रेड चला लेना, दिक्कत ये है। सुना ले आप बताओ, इधर आओ वो देखो वहाँ व्हाइट खड़ी है, यहाँ रेड, कौन सी बेस्ट लग रही है? गाइज ये दोनों भाइयों को व्हाइट पसंद आ रही है, हम दोनों भाइयों को रेड पसंद आ रही है। येलो नहीं आ रही है। अगर आप दोबारा रेड ले ले फिर ऐसा लगेगा कि अपनी पुरानी वाली खा ली, उसमें दो डोर पीछे चिपकाए और ये बन गई। नहीं यार ऐसा भी नहीं है, तो फिर दोबारा रेड हो जाएगी ना। अगर व्हाइट लोगे कुछ नया होगा, वैसे भी व्हाइट थर है भी बहुत कम, और तो व्हाइट फाइव डोर सोचो लोग उसकी ज़्यादा अच्छी है। पहले वही ज़्यादा अच्छी लगी थी, बट सामने से ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। पर वीडियो में कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है? वीडियो में ये ज़्यादा अच्छी लगती है, व्हाइट ज़्यादा अच्छी लगती है। चल देख के आते हैं, दोबारा देख के आते हैं। ज़्यादा बड़ी लग रही है आपको? बहुत देखता हूँ तुम्हारा वो ब्लॉग। थैंक यू यार। अब ये भी सही लग रही है यार सामने से देखने में, यही सही लग रही है मेरे को। वाली पहले है तीन हमारे पास, तो लाल थार देखे कुछ अलग नहीं लग रहा है। चलो भाई घर चलते हैं, फिर मैं मम्मी को लेके आऊँगा, मम्मी को बिठाऊँगा, फिर मम्मी बताएगी कौन सी लेनी है। मम्मी को पसंद तो आने वाले भाई बैठ के, ये बिल्कुल, क्योंकि बहुत स्पेस है इसमें। गाइस अब घर चलते हैं, 3:30 बज गए, फिर उसको ट्यूशन जाना है। अभी स्कूल से आया सीधे यहीं पर आ गए हम। तो